नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चाणक्य नीति आप सुन रहे हैं। पहले दो अध्याय पूरे हुए, तीसरा अध्याय आज हम देखेंगे। कुछ बातों में ये तीसरा अध्याय पहले दो अध्यायों से भिन्न है। चैनल का नाम संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस पर आपको संस्कृत साहित्य संबंधित सभी उत्तम चीज़ें प्राप्त होंगी। ये मेरा लगातार प्रयास है। तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता व्यसनम केन संप्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। भाई, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कुल में किसी न किसी प्रकार का कभी न कभी कोई न कोई दोष ना लगा हो। चाणक्य कह रहे हैं, दूध से धुला हुआ कोई कुल नहीं हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी ना रही हो। कोई ना कोई बीमारी हमेशा किसी न किसी को बनी ही रहती है। किसी न किसी प्रकार का व्यसन भी हर व्यक्ति को होता है। अरे भाई, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ही व्यसन नहीं है? चाय यही व्यसन नहीं है? व्यसन के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके बिना आप ना रह सकें वो व्यसन है। और कस्य सौख्यम निरंतरम, कौन ऐसा है जो हमेशा सुखी ही बना रहे? यानी कौन ऐसा है जिसके जीवन में दुख नहीं आए? अर्थात इस संसार में संपूर्णतः कोई सुखी नहीं हो सकता है, कोई दूध का धुला नहीं हो सकता है, कोई निरोगी नहीं हो सकता है, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसको किसी भी प्रकार का व्यसन ना हो। आचारः कुलमाख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रमा स्नेहमाख्याति बपुः आख्याति भोजनम। भाई, आपकी जो सज्जनता है, आपके जो संस्कार हैं, वो आपके कुल का परिचय देते हैं कि आप कैसे कुल में से आते हैं। आपकी जो भाषा है वो आपके देश काल का परिचय देती है। मैं गुजरात से हूँ तो आप मेरे व्याख्यानों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं गुजराती शब्द आ ही जाएंगे। मैं बेसिकली यूपी से हूँ तो मेरी हिंदी जितनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी हिंदी गुजरात में रह करके होना मुश्किल है। तो दोनों देशों की विशेषताएं अगर मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं दिखने वाली है। संभ्रम स्नेहमाख्यातम, आप किसको कितना आदर देते हैं, इससे उसके प्रति आपका कितना प्रेम है, ये प्रकट होता है। और आपका शरीर, आप क्या खाते हैं, आप क्या भोजन करते हैं, उसका परिचय देता है। अगर आप अच्छा अन्न खाते हैं तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपका तन भी अच्छा रहेगा। आजकल का ये जो जंक फूड है, ये खा खा करके लोगों के शरीर कैसे हो रहे हैं, हैं? तो शरीर जो है वो भोजन का परिचय देता है। वाणी, भाषा, वो आपके स्थान का परिचय देती है। आपका चारित्र आपके कुल का परिचय देता है। और किसको कितना आदर देते हैं इस प्रकार से, उसके प्रति आपका स्नेह व्यक्त होता है। मान लीजिए आपके घर पे आपकी बेटी आती है, आप दौड़ के उसका स्वागत करते हैं। अगर वो ससुराल से आई है तो आपका स्नेह अलग दिखाई देता है। कोई ऐसा मित्र आता है तो आप उठ के उससे गले मिलते हैं, और कोई ऐसा आता है तो आओ बैठो बैठो करके, तो आपका आदर जो है आपके स्नेह को प्रकट करता है। आगे कहते हैं, सुकुले योजयेत कन्या, कन्या को अच्छा कुल ढूंढ करके वहां उसका विवाह करना चाहिए। पुत्रां विद्यां सुयोजयेत, और पुत्र को अच्छी विद्या पढ़ानी चाहिए, अच्छी विद्या देनी चाहिए। धन एकत्रित करना उसके लिए जरूरी नहीं है। कहते हैं कि कुपूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो कुपुत्र है उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करेंगे, जुआ वगैरह में उड़ा के खत्म कर देगा, और ऊपर से जितनी खराब चीजें आपके पैसे से वो करेगा।
और अगर वो सुपुत्र है तो उसको वैसे ही धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जो कुछ चाहिए अपने आप को कमा लेगा। तो पुत्रों को अच्छी विद्या देना जरूरी है, नहीं कि उनके लिए धन एकत्रित करना। यह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, व्यसनेन योजयेत शत्रु। अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसको किसी व्यसन में लगा दो, अपने आप ही नाश हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मारने पीटने की या कुछ और उसके लिए षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं। एक ही काम कर दो, उसको कोई व्यसन लग जाए ऐसा कोई काम कर दो, व्यसन में पड़ जाएगा, अपने आप उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इष्टम धर्मेण योजयेत, और जो आपका मित्र हो उसको धर्म के मार्ग पे ले जाना चाहिए, उसको धर्म का आचरण करवाना चाहिए, ये उत्तम व्यक्ति के लक्षण हैं। आगे कहते हैं, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। दो लोगों की तुलना कर रहे हैं चाणक्य, वो कह रहे हैं कि दुर्जन और सर्प में से सर्प अच्छा है, दुर्जन नहीं, क्योंकि सर्प तो जब समय आएगा यानी आप उसको छेड़ोगे या उसके ऊपर कोई आपकी मृत्यु का समय आ गया हो तो ही वो आपको काटेगा, लेकिन दुर्जन तो डगले ने पगले, आप गुजराती शब्द जो है, हर एक कदम पे वो आपको डसता ही रहेगा, हर एक कदम पे आपको परेशानी में रखेगा। तो भैया दुर्जन और सर्प में से एक की पसंदगी करनी हो तो सर्प की जा सकती है, दुर्जन की नहीं करनी चाहिए। एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहं आदि मध्यावसानेषु न त्यज्यत चन्ति नृपम्। भाई उत्तम लोगों का संग्रह राजा इसलिए करता है, राजा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनका संचय इसलिए करता है कि चाहे उसके अच्छे दिन हों, चाहे उसके मध्यम दिन हो या उसके खराब दिन हो, समय कैसा भी हो, ना त्यजन्ति च ते नृपम्, वो लोग राजा का परित्याग नहीं करते। एक एक सुंदर बात, भाई ऑफिस में आप अच्छे पद पे हैं, आपको कार्य करवाना है तो आप किसके पास से करवाओगे, जो काम करता होगा उसी को उस काम सौंपोगे ना, क्योंकि आपको भरोसा है कि आपका काम वो करके देगा और काम कर देगा और काम हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगे तो काम तो नहीं करेगा, ऊपर से काम बिगड़ जाएगा, आपको बाद में करना ही पड़ेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से सौंपना पड़ेगा। तो भैया ये तो नियम है, जो कार्य करता है कार्य सौंपा भी उसी को जाता है, क्योंकि हर श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठ लोगों की ही जरूरत होती है। आगे कहते हैं, प्रलय भी न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, प्रलय भी न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलय पिन साधवा। भाई वैसे तो हम जानते हैं कि सैकड़ों नदियां जाके समुद्र में गिरते हैं, बरसात में नदियों में बाढ़ आई हो वो सारा जल लेकर के वो समुद्र में जाके गिरते हैं, लेकिन समुद्र की जो सतह है जो सपाटी है वो ऊंची नहीं आती, समुद्र जितना है उतना ही रहता है। अगर इतना पानी पहुंच के समुद्र की सपाटी ऊपर आ जाए तो बॉम्बे जैसे शहर जो है, मुंबई जैसे शहर जो है, वो तो आधे समुद्र में गरकाव हो जाए, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। लेकिन प्रलय का समय जब आता है तो समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देता है, और इसीलिए प्रलय होता है। प्रलय में क्या सर्वत्र पानी हो जाता, पानी आएगा कहां से, समुद्र जब अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं तो सर्वत्र पानी पानी दिखाई देता है, ऐसा यहां पे चाणक्य कहते हैं। सागरा भेद मिच्छन्ति, और सागर जो समुद्र हैं वो भेद की भी इच्छा रखते हैं, भेद की इच्छा यानी अलग अलग सब। आप देखिए समुद्रों के रंग अलग अलग हैं, हिंद महासागर अरब महासागर दोनों के जलों का कलर आपको अलग दिखाई देगा, जहां दोनों इकट्ठे हो रहे हैं वहां आप देखिए दोनों के जल आपको। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो प्रलय काल में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, वो फिर भी अपने गुण धर्मों पे बने रहते हैं, वो चाहे जैसी मुश्किल आए, प्रलय से बड़ी मुश्किल नहीं हो सकती है, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आए लेकिन वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं, और वो किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया करते हैं, ये भी उनकी विशेषता होती है। आगे कहते हैं, मूर्खस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदा पशु, भर्तृहरि ने मूर्खों के विषय में बहुत कुछ कहा है, विदुर ने भी नीति शतक में बहुत कुछ कहा है,
चाणक्य के दो अध्यायों में हमने बहुत ज़्यादा मूर्खों की निंदा नहीं सुनी थी, मूर्खों के बारे में उन्होंने कहा बहुत निंदा नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ एक ही श्लोक जो है वो बहुत ही उनके लिए पर्याप्त है। वो कहते हैं कि मूर्खस्तु परिहर्तव्यः, मूर्ख का बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए। प्रत्यक्षो द्विपदा पशु, उसके खाली दो पैर हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो पशु है, पशु के चार पैर होते हैं, उसके पैर तो दो ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो मूर्ख होता है वो पशु है, पशु के समान नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वो पशु है, दो पैर वाला पशु है। विद्यते वाक्य शल्येन अदृशम कंटकम यथा, ऐसे कांटे की तरह जो कांटा आपको दिखाई ना दे और आप पैर रखें तो आपके पैर में चुभ जाए, फिर आप उसको वहां ढूंढो तो फिर आपको वो कांटा ना दिखाई दे लेकिन पैर रखो तो आपको चुभ जाए, ऐसे कांटे की तरह से ये मूर्ख जो हैं वो अपने वाक्य रूपी कांटे हमें चुभाते रहते हैं, यानी वो जब बोलेंगे कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिससे आप अंदर तक दुखी दुखी हो जाएंगे, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सुवंते निर्गंधा इव किंसुका, मैं बहुत छोटा था तब ये हितोपदेश में श्लोक आया करता था ऐसा मुझे याद है, या सुभाषित में पढ़ा होगा, यानी बहुत प्राचीन काल से ये श्लोक मुझे याद है कि रूप यौवन से संपन्न होने के बाद भी, उत्तम कुल में जन्म हुआ तो भी, अगर विद्या से विहीन व्यक्ति है तो वो शोभायमान नहीं होता है, यानी शक्ल कितनी भी अच्छी बनी रहे, सौंदर्य कितना भी उत्तम हो, कुल कितना भी उत्तम हो, सब कुछ हो उसके पास, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो चाणक्य कहते हैं जैसे बिना सुगंधि का फूल देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, कागज के बने हुए फूलों तो देखने में अच्छे लगेंगे लेकिन आपको उसमें से थोड़ी सी सुगंधि लेनी हो तो नहीं मिलेगी, आपको उसका रस निकालना हो, अर्क निकालना हो जिससे कि आप कोई सुगंधित तैल द्रव्य तैयार कर पाएं, वो भी नहीं कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में डाल के गुलाब जल बनाया जा सकता है लेकिन कागज का गुलाब हो उसको पानी में डाल के क्या बनाओगे, पानी को और गंदा कर देगा। तो भैया जो विद्याविहीन होते हैं ऐसे रूप यौवन कुल वाले व्यक्ति बिना सुगंधि वाले फूल के समान, बनावटी फूल जैसे होते हैं। कोकिला ना स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम, बहुत सुंदर श्लोक है। ये कहते हैं कि कोयल क्या है उसके पास, काली, कुछ ऐसा भी नहीं कि उसके सिर पे कोई मोर जैसा स्पेशल कलगी हो या कुछ भी स्पेशल हो, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास, कौवे जैसी होती है, लेकिन उसकी वाणी उसका आभूषण है, बोलती है तो लोग उसको वाह, उसके पीछे पीछे वो टहुक करेगी, छोटे छोटे बच्चे तो उसके पीछे पीछे कुहू कुहू टहुकेंगे और फिर कोयल बोलेगी फिर वो बोलेंगे, हम भी बचपन में नैमिषारण्य रहते थे गुरुकुल में तो कई बार ऐसा किया है इसलिए याद है। तो उसकी वाणी उसकी कूक वो कोयल का आभूषण है, स्त्रियों का आभूषण उनका पातिव्रत धर्म है, पतिव्रता धर्म ये स्त्रियों का आभूषण है, कुरूप व्यक्ति हो लेकिन अगर विद्वान होगा तो चाणक्य की तरह उसकी पूजा होगी, तो विद्या ये कुरूपों का आभूषण है और क्षमा तपस्वियों का आभूषण है, तपस्वी का अर्थ समाधि लगा करके बैठ करके तपस्या करने वाले ही तपस्वी नहीं होते हैं, आप किसी भी कार्य में मनोयोग से अगर प्रवृत्त हैं तो वो आपकी तपस्या है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप कोई संस्था का काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं जब उसको संपूर्ण मनोयोग से करते हैं तो वो आपकी तपस्या है, लेकिन उसमें विघ्न डालने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो जो विघ्न डालने की कभी कोई कोशिश करे तो उन पर गुस्सा नहीं, क्षमा करना चाहिए, ये तपस्वियों का आभूषण है, क्या, क्षमा। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, चाणक्य ने सबसे पहले ही ये बात कही थी कि भाई विविध शास्त्रों में जो उत्तम बातें कही गई हैं मैंने यहाँ उनका संग्रह किया है, पहले अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में जब प्रयोजन है उसी टाइम पर उन्होंने ये बात कही है। महाभारत में ये श्लोक ऐसा का ऐसा सभा पर्व में मिलता है जब धृतराष्ट्र विदुर ये बात कहते हैं कि भाई दुर्योधन का त्याग कर दो, और उस समय वो कहते हैं त्यजेत एकम कुलस्यार्थे
कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, एक व्यक्ति के त्याग करने से कुल बच रहा हो तो एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, एक परिवार का त्याग करने से अगर पूरा गांव बच रहा है तो एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद पूरे जिले के प्राण बच रहे हों और ऐसे में एक गांव का बहिष्कार करना पड़े। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो किसी गांव में पर्टिकुलर फैल गई हो, तो उस गांव के लोगों को, मुझे याद है कुछ वर्ष पहले, यानी कि काफ़ी वर्ष पहले, आज से तो काफ़ी 20-21 साल हो गए हैं, सूरत में प्लेग आ गया था। मेरे पास सूरत की मोटरसाइकिल थी, मैं सूरत की मोटरसाइकिल लेके निकला तो एक भाई ने हाथ दिखाया बैठने के लिए, लिफ्ट लेने के लिए। मैंने गाड़ी खड़ी रखी, उसने सूरत का नंबर देखा तो पीछे हट गया, मुझे नहीं बैठना है। भाई आदमी मरना तो कोई नहीं चाहता। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर पूरे जिले का कल्याण करना हो और कोई एक गांव अगर उसमें कलंक रूप है या कोई परेशानी वाला है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विदुर ने ये कहा, चाणक्य भी यहाँ इस बात को कह रहे हैं। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने लिए अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए, यानी सबसे ऊपर व्यक्ति स्वयं होता है। अगर आप हैं तो पूरी दुनिया है, और आप नहीं हैं तो दुनिया कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपताम नास्ति पातकम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम्, मौने कलहो नास्ति नास्ति जागरतिर्भयम्। भाई जो उद्योगशील व्यक्ति है ना, जो मेहनत कस व्यक्ति है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। ये कहा गया है, मेरा जन्म कहाँ हुआ है ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं गरीब घर में जन्म लूँ तो ये मेरा नसीब है, ऊपर वाले ने मुझे जहाँ जन्म दिया वहाँ मुझे मिला, लेकिन अगर मैं गरीब मर जाऊँ तो ये मेरी गलती है। देवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम, ईश्वर मुझे जन्म कहीं भी दे सकता है पर पुरुषार्थ क्या करना ये मैं तय करूँगा। तो यही कहते कि जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो उद्योगशील व्यक्ति है, वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता है। और जो जप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, जो तपस्वी व्यक्ति है, वो कभी पापी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी में से बाहर नहीं आएगा, पाप क्या करेगा। मौन अगर आप धारण कर लें तो किसी से झगड़ा नहीं हो सकता है। मौनम, जहां मौन है वहां कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है। पति पत्नी दोनों बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, एक बोले और एक चुप हो जाए तो दूसरा बहुत चिल्लाएगा, जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अगर वो मौन रहता है तो थोड़ी देर बाद अपने आप सामने वाला चुप हो जाएगा। तो जहां मौन है वहां कलह नहीं होता है। और जो व्यक्ति जागृत होता है उसको किसी चीज का भय नहीं होता है। हमेशा जागृत रहिए, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सब चीजें आपके लिए बनी हुई हैं अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो भैया आप ही मालिक हैं, सब कुछ चला जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे। इसलिए अवसर आता है, आंखें खुली हैं, आप उसका लाभ ले सकते हो। कुछ भी होता है आंखें खुली रखिए, ये बात यहां कही गई है। अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिर्वद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कहते हैं कि अत्यंत सौंदर्यवती होने की वजह से सीता का अपहरण हुआ, अत्यंत सौंदर्यवती होने से सीता का अपहरण हुआ। रावण अपने अत्यंत अभिमान के कारण मारा गया। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, इसलिए वामन अवतार लेकर के विष्णु ने उनको बांध दिया। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी बात में अति नहीं होनी चाहिए। देखिए हर चीज का एक मिजाज होता है, हर चीज का एक अवसर होता है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ये तो ये किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अति कही जाती है। अति भोजन करेंगे, अति निराहार रहेंगे, किसी भी बात में आप अति करेंगे तो वो आपको हानिकारक रहेगी। ये यहां पर चाणक्य ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। कोई भारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशासु विद्यानाम कह प्रियः प्रियवादिनाम। भाई
जो समर्थ लोग हैं उनके लिए भार कुछ नहीं है, चाहे जितना वजन हो उठा लेंगे, भाई शक्तिशाली है। ऐसे ही कहते हैं कि जो व्यवसायी लोग हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। जो मेहनत कश लोग हैं वो हर कठिनाई को सरल बना लेते हैं, मेहनत करना जिनको आता है। जो विद्यावान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके लिए कोई विदेश नहीं, वो जहां जाएंगे स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान तो हर जगह पूजा जाता है, तो क्या होगा, चाहे जहां उसको भेज दो, वो तो जहां जाएगा वही उसका अपना देश हो जाएगा, क्योंकि सभी हर जगह पे उसकी पूजा होती है। अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, कह प्रिय प्रियवादिनाम, जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए क्या प्रिय और क्या अप्रिय है, कोई उनका पराया नहीं हो सकता है, सब उसके अपने हो जाते हैं। आप प्रिय बोलना तो शुरू कीजिए, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए पराया नहीं होगा, सब आपके अपने हो जाएंगे। जो किसी से भी मिलेगा आपके बारे की बात निकले, अरे यार वो तो मेरा मित्र है, सब आपको अपना मित्र समझेंगे अगर आप प्रिय बोलते हैं। अगर आप कटु बोलते हैं तो आपके अपने भी गए, अब जान दो उसकी बात मत करो यार, और जिसकी बात करनी है उसकी बात करो। तो भैया प्रिय बोलना बहुत जरूरी है, प्रिय बोलना सीखिए, इससे जीवन में आपका कोई काम नहीं अटकेगा, सब आपके साथ होंगे, सब आपके पीछे आगे पीछे होंगे, ये आप समझ के चलिए। एकेना पिस्सु वृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, एक भी वन में सुंदर वृक्ष फूलों से लदा हुआ हो तो सारे वन को सुगंधित बना देता है। जैसे एक सुपुत्र अगर कुल में जन्म ले जाए तो पूरा कुल तर जाता है, पूर्वजों तक का। देखिए राम हुए तो पूरे रघुवंश को लोग जानते हैं, कृष्ण हुए तो पूरे यदुवंश को लोग जानते हैं, वसुदेव को कृष्ण के पिता के रूप में लोग पहचानते हैं, कृष्ण को वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं जानते हैं। ये बात अलग है कि जब बात निकलेगी तो यही कहा जाएगा कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। तो सुपुत्र अगर एक आ जाए पूरे कुल का, वो पूरे कुल को सुगंधित बना देता है, जैसे एक वृक्ष पूरे वन को सुगंधयुक्त बना देता है। ऐसे ही एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एक सूखे वृक्ष में आग लग जाए तो पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। ऐसे ही कुल में अगर एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरे कुल का विनाश हो गया, सब पे कलंक लग जाएगा, और सिर्फ कलंक नहीं लगेगा, लोग उस कुल का नाम लेने से घबराएंगे। ऋषि पुलस्त जशु विमल मयंका तेहि शशि में जनी हो कलंका, रावण को ये सीख दी गई थी कि ऋषि पुलस्त जैसे कुल में कलंक मत बनो, लेकिन कलंक बना तो कौन, कितना जानते हैं लोग, रावण को जानते हैं, लेकिन रावण के वंश की बात कहाँ गई, कहाँ गया पूरा कुल, कहाँ गई वो चर्चा, सब कुछ एक अत्याचारी के रूप में, एक आतताई के रूप में इस तरीके से रावण का नाम लिया जाता है। मैं आज के जो विलन होते हैं, रावण उनसे बहुत अच्छा था, धर्मात्मा था, सब बातें अच्छी थी, कभी इसकी चर्चा जब आएगी तब करेंगे, लेकिन एक कुपुत्र से पूरे कुल को कलंक लग जाता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी, एक उत्तम पुत्र अगर जन्म ले जाए, एक सुपुत्र कैसा हो, विद्यायुक्तेन, विद्या थी, विद्या से युक्त और साधु स्वभाव वाला हो, तो पूरा वंश, पूरा समाज उससे आह्लादितम आनंदित हो जाता है। जैसे एक चंद्रमा का उदय होने पे पूरी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ चांदनी फैल जाती है, इसी प्रकार से एक उत्तम संतान आपके सिर्फ घर को नहीं उत्तम बनाएगी, पूरे समाज को वो प्रकाश दे देगी, पूरे समाज को प्रकाशित करेगी। देखिए महात्मा गांधी जैसे जो लोग हुए हैं, इन्होंने अपने कुल परिवार का नाम रोशन किया, इतना नहीं है, इन्होंने पूरे भारत को किस स्थिति में पहुंचाया है। तो एक उत्तम संतान जो वास्तव में विद्वान हो, विद्या से युक्त हो, अच्छे स्वभाव वाली हो, तो सब कुछ बदल के रख देती है। किम जातई बहु भी पुत्रई
शोक संताप कारक वर मे कह कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। भाई बहुत सारे पुत्र हों ये जरूरी नहीं है। शोक और संताप को देने के लिए बहुत सारे पुत्रों का होना जरूरी नहीं है। जरा मैं इसको और सही ढंग से आपसे कहूं कि बहुत सारे पुत्र हों और वो अगर दुख देने वाले हों तो बेकार है। एक ही उत्तम पुत्र हो वो अच्छा है। कैसा पुत्र चाहिए? यत्र विश्राम्यते कुलम, जहां संपूर्ण कुल को, संपूर्ण समाज को विश्रांति यानी कि शांति यानी कि सुख प्राप्त होता है, जिसका नाम लेने से। भारत देश कैसा है? जहां राम हुए हैं। भारत देश कैसा है? जहां कृष्ण हुए हैं। भारत देश कैसा है? जहां महात्मा गांधी हुए हैं। भारत देश कैसा है? जहां गौतम बुद्ध हुए हैं। भारत देश कैसा है? जहां महावीर स्वामी जैसे, मतलब ये सारी चीजें, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, मतलब जिनके नाम से देश का नाम रोशन हो जाता है, ऐसा एक ही बहुत है। बहुत सारे नहीं चाहिए, बहुत सारों को कोई नहीं पूछता है, वो तो दुखी देंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे पुत्र होंगे तो आपको कुछ सुखी कर देंगे, ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या सुखी कर दिया। तो सुख के लिए बहुत सारे पुत्रों की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे पुत्र होंगे तो शोक संताप के करने वाले होंगे, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। लालयित पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ित प्राप्ते सुषोडश वर्षे पुत्री मित्रत्वमाचरेत। भाई सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को चाणक्य बहुत अच्छा संदेश देते हैं। 5 वर्ष तक पुत्र का लालन करना चाहिए, उसको बहुत प्यार देना चाहिए। ये नहीं कि 1.5 वर्ष का हुआ नर्सरी में रख दो, वो रोता रहे, उसको जबरदस्ती स्कूल छोड़ के आओ और रोए, सीनियर केजी, जूनियर केजी सब उसको करवाओ, बेचारे को रुला रुला के अधमरा कर दो। 5 वर्ष तक उसको कहीं मत भेजो, 5 वर्ष तक उसको खेलने दो, खाने दो, उसको अंदर से मजबूत बनने दो। फिर कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़ेत, उसके बाद के 10 वर्ष यानी 5 से लेके 15 वर्ष तक की उम्र में बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। जरूरत पड़े उनको ताड़न करना चाहिए, उनको थोड़ा सा शिक्षा करनी चाहिए। लेकिन 16 वर्ष का जहां हो जाए पुत्र, वहां उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर ना तो आप उसको ज़्यादा पाल सकते हैं, यानी ज़्यादा लाड़ भी नहीं लड़ाना चाहिए और ज़्यादा उसको मारना पीटना तो चाहिए ही नहीं। जैसा मित्र के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, 5 वर्ष तक बच्चे को खाली प्यार करना चाहिए, नो होमवर्क, नो किसी प्रकार से डराना धमकाना, कुछ नहीं, कुछ मत करो उसको, अच्छी तरीके से उसका विकास होने दो, जितना दे पाओ उतना प्यार दो उसको। बाकी के 10 साल जो हैं, 5 से लेकर 15 साल की उम्र तक ताड़ेत, मैंने एक श्लोक में कहा था कि ताड़ना का अर्थ मारना ही नहीं होता है, शिक्षा करना, उन पर नज़र रखना, उनको अच्छी तरीके से समझाना, जरूरत पड़े तो मारना भी, वो भी तो है, वो भी तो एक चीज़ है, वो भी तो एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से पुत्रों के साथ, संतान के साथ व्यवहार करना चाहिए। उपसर्गेण्य चरके च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलाति स जीवते। एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कहीं लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब चल रहा हो ना, जहां उपद्रव शुरू हो गया हो, उपसर्गे अन्य चक्र, जहां दुश्मन ने आक्रमण कर दिया हो, दुर्भिक्षे जहां दुष्काल पड़ गया हो, जहां अकाल पड़ रहा हो, असाधु जन संपर्के और दुष्ट व्यक्ति की जहां कंपनी मिल गई हो, जहां दुष्ट लोग इकट्ठे हो गए हो, वहां से भाग जाना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से जो भाग जाता है वही जिंदा रहता है, वहां रहने वाला व्यक्ति तो उसका सुपड़ा साफ निश्चित है, जीता रहेगा तो भी जीवित, अरे लल्लू ये जीना भी कोई जीना है, ऐसी स्थिति उसकी खुद की खड़ी हो जाएगी। तो भैया चाणक्य नीति को समझें, इन जगहों से दूर रहें। धर्मार्थ काम मोक्षेषु
यस्य कोऽपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणं तस्य केवलम्। भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे गए, इन पे एक पूरा वीडियो आने वाला है। तो इन पे इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि धर्म की व्याख्या जब शुरू होगी तो उस पर बहुत कुछ कहा जाएगा, और फिर जब काम शास्त्र पे जाएंगे तो पूरा काम सूत्र और इतनी सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए अभी मैं उससे थोड़ा दूर हूँ। एक बार ये संस्कृत साहित्य का परिचय हो जाए फिर उस तरफ जाऊँगा, और फिर मैं आपको इन सब का परिचय करवाऊँगा कि वास्तव में चार पुरुषार्थ और उनकी प्रक्रिया और किस तरीके से हमारे समाज में उनको रखा गया है, महाभारत क्या कहता है उसके बारे में, नीतियाँ उनके बारे में क्या कहती हैं। अभी हम इतना ही इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ जो हैं, इन चार पुरुषार्थों में से अगर कोई एक भी पुरुषार्थ कोई अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल है। अगर इन चार में से कोई पुरुषार्थ अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, यानी कोई पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता है, ना तो वो धार्मिक हो पाया, ना वो आर्थिक हो पाया, ना वो अच्छी तरीके से अपनी कामनाएं इच्छाएं पूरी कर पाया, तो मोक्ष तो क्या वो प्राप्त करेगा। वैसे तो ये चारों पुरुषार्थ जो सफल व्यक्ति होते हैं वो इन चारों में सफल रहते हैं, वो जो निष्फल होते हैं वो सब में निष्फल हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एकाध पुरुषार्थ में सफल हो पाते हैं तो अगले जन्म में दूसरे पुरुषार्थों में उनको सफलता मिलती है, क्योंकि जन्म जन्म की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो श्रीमद् भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्री मताम गे हे योग भ्रष्टो भी जायते, ये तो योग की प्रक्रिया है, खूब मेहनत करोगे तो ये सब मिलेगा और ये तो योगी का लक्षण है। और अगर बीच में मर गए तो क्या होगा, तो बोले अगले जन्म में उससे आगे की स्थिति में आपको जन्म मिलेगा। देखिए कुछ तो ऐसा है ना कि मैं एक ऐसे घर में जन्म लूँ जहाँ मुझे जो कुछ चाहिए वो मुझे मिल जाए, मैं जिस लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा बाप कहेगा डॉक्टर बन जा, अरे मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे प्रोफेसर बनना है। मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पे। मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, शायद आप ये कहेंगे उस समय क्या निर्णय की क्षमता होगी, लेकिन तब मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि मुझे संस्कृत में जाना चाहिए, संस्कृत की लाइन में जाना चाहिए। उस तरीके से मुझे गुरुकुल में रखा गया, मुझे पढ़ाया गया, मुझे वो संस्कार मिले और आज वो संस्कार आप लोगों तक पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके का सौभाग्य ही होता है कि किसी ऐसे घर में आपको जन्म मिल जाए, नहीं तो कई बार पता चला कि आपको कुछ करना है और माता पिता कुछ और चाह रहे हैं, ना आप अपने ढंग से चल पा रहे हैं ना उनके ढंग से चल पा रहे हैं, तो आपकी की हुई तपस्या सब बेकार हो जाएगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में से अगर एक भी पुरुषार्थ कोई प्राप्त नहीं कर पाता है तो इस पृथ्वी पर उसका जन्म लेना मरने के लिए ही है। वो क्यों जन्मा, मरने के लिए वो पैदा हुआ है, बाकी उसके जन्म का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा चाणक्य यहाँ कहते हैं। अंतिम श्लोक तीसरे अध्याय का, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। भाई जहां मूर्ख लोगों की पूजा नहीं की जाती है, जहां धन धान्य खूब भरा रहता है, जिसका खूब भंडारण किया जाता है, जहां पति पत्नी के बीच में कलह नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, वहां श्री लक्ष्मी सरस्वती समृद्धि इन सबका निवास वहां होता है। तो भैया मूर्खता के काम ना करें, पहली बात। मूर्ख की पूजा करना, अरे कोई भी किसी मूर्ख को माथे पे तिलक करके कंकु चोखा से उसकी पूजा नहीं करता है, लेकिन मूर्खों की सलाह मान के कई बार हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन असफल बनता है, हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो मूर्खों की सलाह नहीं माननी चाहिए। वैसे तो अपरिग्रह बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई जीवन की सुखाकारी के लिए धन धान्य का संचय भी करना चाहिए और पति पत्नी के बीच में क्लेश नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पति पत्नी के बीच में क्लेश होता है वहाँ कभी सुख समृद्धि और शांति नहीं रह सकती है। सुख समृद्धि और शांति वहीं होती है जहाँ पति पत्नी के बीच में क्लेश नहीं होता है। देखिए पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी बात मैं कह दूँ, वैसे तो अंतिम श्लोक था इसलिए यहाँ चाणक्य नीति पूरी हो जाती है, लेकिन पति पत्नी की बात आ गई और ये हर एक व्यक्ति को स्पर्श करने वाली बात है, इसलिए थोड़ी सी बात इस संदर्भ में कहना मुझे जरूरी लगता है। सबका अपना एक अस्तित्व होता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। कुछ समय ऐसा होता है विवाह काल का, एक इस तरीके का जोक भी चला था कि पहले 5 साल चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी, इस तरीके की जो बात आती है। वास्तविकता ये है कि जब तक स्त्री पुरुष
एक दूसरे में रचे पचे रहते हैं, तब तक तो पति पत्नी जो हैं बड़े ही सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही स्त्री पे पारिवारिक जवाबदारियां आती हैं, पुरुष अपने व्यवसाय में भी लगता है, वैसे वैसे उनके बीच की दूरियां थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उनको स्पेस देना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपनी मर्यादा, अपने स्थान का ख्याल रखिए और दोनों को वो जगह मिलनी चाहिए, वो स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी जी सकें। यही एक सुखी रहने का रास्ता है। आप कहें कि नहीं, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा होना चाहिए, सामने वाला कहे मैंने ऐसा कहा ऐसा होना चाहिए, तो भैया जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कभी शांति नहीं मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य ने कह दिया है। तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला अध्याय अगले दिन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। अपने मित्रों तक भी पहुँचाइए।